ओम शांति। आज है 5 जनवरी 2022। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। प्रश्न। ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर। वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे, उनमें कभी मत भेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, उनमें तो अनेक मते होती हैं। कोई अपने को पुष्करणी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो, देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गवाना है, एक मत हो रहना है। दूसरा, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान। ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमितपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। स्लोगन। हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता।